आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि पंजाब में एयर एम्बुलेंस की खरीदारी के लिए 1 अरब 16 करोड़ रुपए के इजाफी फंड्स के इजरा की मंजूरी दे दी गई है। स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने एयर एम्बुलेंस सर्विस का बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब 16 करोड़ तक कर दिया है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स अली रामे से जान लेते हैं। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा, बजट किस तरह से बढ़ गया? अली रामी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो बताइएगा, बजट में इजाफा कर दिया गया है, क्या वजह बयान की जा रही है, क्यों बजट बढ़ाया गया? अली रामी से टेक्निकल वजूहात की बिना पर राबता मुनकता हो चुका है। पंजाब में रेफरेंस की खरीदारी के लिए 1 अरब 16 करोड़ रुपए के इजाफी फंड्स के इजरा की मंजूरी दे दी गई है। स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने एम्बुलेंस सर्विस का बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब 16 तक कर दिया है, जबकि लाहौर समेत सूबा भर में शहरियों को रेस्क्यू करने के लिए 10 गायरोकॉप्टर की खरीदारी के लिए भी इस हवाले से मंजूरी दे दी गई है। गायरोकॉप्टर की खरीदारी के हवाले से भी मंजूरी दे दी गई है और बजट 50 करोड़ से 1 अरब 16 करोड़ तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। एयर एम्बुलेंस सर्विस की खरीदारी के लिए 1 अरब 16 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। लाहौर समेत सूबे के लिए बताया जा रहा है कि 10 गायरोकॉप्टर की खरीदारी फंड जारी करने का हुक्म दे दिया गया है। एयर एम्बुलेंस पंजाब के हर डिवीजन में इस्तेमाल की जाएगी।